हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक। दोस्तों आज की मिस वीडियो मत कमा लें। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती संबंध में साक्षात बात करने वाले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन है वो कब जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम 2,00,000 रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में। दोस्तों ये बिहार सरकार की तरफ से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो है 2,00,000 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। ये दोस्तों तेजस्वी यादव हैं जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, ठीक है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं तय समय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से अविलंब शिक्षकों के 2,00,000 रिक्त पदों पर बहाली करने का निर्देश दिया ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो सके। एक और जहां बिहार सरकार लगातार शिक्षकों की भर्ती के संबंध में बात कर रही है, वहीं यूपी सरकार की बात करें दोस्तों, यहां पर उनका यही कहना है कि यूपी में छात्र और शिक्षक का अनुपात सही है, इसलिए नई प्राथमिक विज्ञापन जारी करना कोई उचित नहीं है। यानी बिहार सरकार की तरफ से जल्दी 2,00,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही बात करने वाले यूपी की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में दोस्तों, यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई। यहाँ पर बताया गया है कांग्रेस यूपी के क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में 63,000 से ज़्यादा टीचर के पद खाली हैं। ग्रामीण स्कूलों में 51,112 टीचर के पद खाली हैं। शहरी स्कूलों में 12,149 टीचर के पद खाली हैं। बीजेपी सरकार में ना रोजगार मिलेगा ना शिक्षा मिलेगी, मिलेगा तो सिर्फ प्रचार, वो भी खोखला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब विपक्षी पार्टी की तरफ से जो है घेरा जा रहा है बार बार। इसका मेन कारण यही था कि इस बार जो भर्ती नहीं आई थी क्योंकि विपक्ष द्वारा जो है इसको मुद्दा बनाया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाया गया था। सरकार ने अपने जो एजेंडे में वो किसी प्रकार से शिक्षक भर्ती या किसी अन्य भर्ती के बारे में जिक्र नहीं किया था, इसी वजह से जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर जो अन्य भर्तियाँ हैं वो नहीं आई थी। लेकिन जो है अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर जो अन्य कोई भर्ती हो वो तभी आ सकती है जब विपक्ष द्वारा और अभ्यर्थी द्वारा इस पर दबाव बनाया जाएगा, तभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है और अन्य भर्तियाँ आ सकती हैं। तो अभ्यर्थी अपना प्रयास जारी रखें और वो चाहे किसी नेता के माध्यम से, नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से लगातार प्रयास जारी रखें ताकि सरकार के ऊपर दबाव बन सके और नई प्राथमिक भर्ती के अलावा अन्य भर्तियों का विज्ञापन जारी हो सके, ठीक है। अब बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में 800 लिस्ट को लेकर। दोस्तों यहाँ पर जब कल अभ्यर्थी मिलने गए थे तो उनकी तरफ से जब अधिकारियों की तरफ से मिला गया तो यही कहना था अधिकारियों का कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभ्यर्थियों को ये कहना था जब आप कार्य कर रहे हैं तो जो 69,000 शिक्षकों में 800 लिस्ट वाला मैटर है वो अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ इतना दिन होने के बाद भी। तो उनकी तरफ से यही कह गया कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है जिससे कि हम इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में कार्य कर सकें, लेकिन सरकार इस पर कार्य कर रही है। हालांकि जब अभ्यर्थी मिलने जाते हैं तो उनको यही आश्वासन मिलता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो अधिकारी हो, लेकिन बाद में ये होता है कि सरकार जो है कोर्ट से अपना पक्ष नहीं रखती है और मैटर जो है आगे बढ़ जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से अब एक और प्लान बनाया जाए जो कि अब जो है एक बड़ा धरने की बात कही जा रही है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही जिस वजह से मैटर जो है बार बार डिले हो रहा है। तो अभ्यर्थी अब धरना प्रदर्शन भी करना चाहते हैं और इसके लिए अपन रणनीति बना रहे हैं, इसके बारे में जैसा भी होगा आपको हम जानकारी दे देंगे। वहीं दूसरी ओर प्रयास क्रम में अभ्यर्थी आज मिलने जाएंगे माननीय अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से 69,000 शिक्षकों में 800 लिस्ट को लेकर हमेशा मुद्दा उठाया गया है और बार बार उठाता जाता रहेगा, ऐसा उनका कहना भी है। और नियुक्ति संबंध जो भी उनके तरफ से प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। तो उसी क्रम में आज माननीय अनपेड वाले जैसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे और जैसा भी जो भी होगा उनके माध्यम से जो भी जानकारी दी जाएगी तो आपको हम शेयर भी करेंगे। उनका यही कहना था चुनाव से पहले कि हम आरक्षण की विसंगति दूर कर लिया है और 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य करेंगे, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए, इसीलिए अभ्यर्थी जो है उनसे मिलने जा रहे हैं और उनसे मिलने के बाद जो भी अपडेट निकलेगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।